जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू जी, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहीं सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही सोगी ना। मगर फिर भी कौरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वह रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू बहन, आज की रात तुम मुझे अपने घर में सो लेने दो। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गौरी बहन, मेरे पास दो ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरी में मैं सोती हूँ। रानू बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात बस सोने दो मुझे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला कौरी कौवी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है, मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है, मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर कौरी कौवी सो जाती है। उस रात कौरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी पूरा दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कौवी फिर से चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू जी से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है। मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। तुझे तो मैं बताऊंगी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज के बाद चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसले में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसले में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है, हमारे घोंसले में पानी किसने गिराया होगा। मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था ना, ये काम जरूर गौरी आंटी ने किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुक्कू, अब देखना, वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। गुड़िया बेटा, जाओ और गौरी कौवी को बताओ कि वो आज हमारे घोंसले में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेट कर। गुड़िया जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाती है। आंटी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा ने कहा है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान ही गई तुम्हारी मम्मा। मैं ना कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी गुड़िया के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी, ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3, झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से।
मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय मैं मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी को भी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है, तब जाकर उसकी खुजली कम होती है। फिर वो बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर ही गुजारती है। उस रानो को छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सयानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कवि को सजा मिलती। भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार बहन भाई में लड़ाई भी हो जाती है। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ मत बोलें। चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम था कुकू। बच्चों मैं रात के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, तब तक आप ये आम लो और दोनों बहन भाई मिलकर खा लो। मम्मा जब आप घर से बाहर जाती हैं तो कुकू मुझे बहुत तंग करता है। मम्मा मैं तंग नहीं करता, बल्कि ये चुड़ैल मुझे तंग करती है। मम्मा मम्मा देखे, भाई ने मुझे चुड़ैल कहा है। बच्चों मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, और कुकू बेटा बड़ी बहन को तंग ना करना। मम्मा चिड़िया अपना रात का भोजन लेने चली जाती है। कल आम तुमने खाया था, आज ये सारा आम मैं खाऊंगा। कुकू भाई याद है मम्मा ने कहा था दोनों भाई बहन मिलकर ये आम खा लेना। नहीं ये आम मैं अकेला खाऊंगा। ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा काट कर तुम्हें दे देता हूँ। कुकू रसोई से चाकू उठा लाता है। अच्छा ठीक है भाई आप ये आम खा लें। गुड़िया अपने भाई के पास बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि कुकू उसे धक्का दे देता है और चाकू गुड़िया के पंख पर लग जाता है। गुड़िया के पंख से खून बहना शुरू हो जाता है। मेरा पंख, कुकू भाई आपने मेरे पंख पर चाकू मार दिया है। गुड़िया के पंख से खून बहता हुआ देखकर कुकू रोने लग जाता है। गुड़िया बहन मैंने जानबूझकर नहीं मारा चाकू, गलती से लग गया। गुड़िया बहन मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देता हूँ। कुकू अलमारी से अपनी मम्मा की चुनरी निकालकर उसे गुड़िया के पंख पर बांध देता है। गुड़िया रोई जा रही थी, कुकू अपना गुल्लक उठाकर ले आता है। गुड़िया बहन मेरे गुल्लक के सारे पैसे आप रख लो, मगर मम्मा को न बताना, प्लीज मेरी बहन गुड़िया। नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं लेने पैसे तुमसे। ये आम आप खा लो, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात ना करो। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। गुड़िया और कुकू क्या बात है, आज बहुत अच्छे बनकर बैठे हो। फिर अचानक मम्मा चिड़िया का ध्यान गुड़िया के पंख की तरफ जाता है। गुड़िया मेरी बेटी ये क्या हुआ है, आपके पंख से खून बह रहा है। मैं गिर गई थी मम्मा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने भाई की तरफ देखती है। ये गिरने की चोट नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ है बेटी तुम्हारे साथ। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा मैं गुड़िया बहन से लड़ाई कर रहा था कि चाकू गुड़िया बहन के पंख पर लग गया। मम्मा मुझे माफ कर दे। हाय मैं मर गई, ये तो बहुत गहरा जख्म है। गुड़िया बेटी आप अपना पंख ऊपर करके लेट जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया बेचारी जल्दी जल्दी से घर से बाहर जाती है और पड़ोसी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन मेरी बेटी गुड़िया के पंख पर चोट लग गई है, घर में एक रुपए भी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। चिड़िया बहन अगर होते तो मैं जरूर देती, मेरा विश्वास करो घर में कुछ भी नहीं है। खून ज्यादा बह जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी मर जाएगी, उसके पंख से खून बह रहा है। खून बह जाने की वजह से गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुकू गुड़िया को बुला रहा था। गुड़िया गुड़िया बहन मुझसे बात करो, गुड़िया मुझे माफ कर दो,
मैं फिर कभी दोबारा आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। कुड़िया बहन, बस एक बार ठीक हो जाओ, प्लीज मेरी बहन ठीक हो जाओ। मगर गुड़िया कोई जवाब नहीं दे रही थी। मामा चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार लेकर घर आती है और गुड़िया को उठाकर टोकरी में रखती है। मामा, बहन ठीक हो जाएगी ना? मगर मामा चिड़िया चुप रहती है। घर से बाहर मत जाना, अंदर से कुंडी लगा लो। मामा चिड़िया डॉक्टर के पास जाती है और कुक्कू घर ही बैठकर खिड़की से अपनी मामा को देखने लग जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर बहन, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी के पंख पर चोट आ गई है। ये घाव तो बहुत गहरा है, स्टिचेस लगेंगे। डॉक्टर जल्दी से इलाज शुरू करती है और गुड़िया के पंख पर स्टिचेस लगा देती है। मेरी बेटी बात क्यों नहीं कर रही? मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी गुड़िया। मामा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। एक घंटे के बाद जाकर गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। मामा, भाई कहाँ है? भाई को मत मारना, गलती मेरी ही थी, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। आप घर जा सकती हैं। अब मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। कुकु अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। गुड़िया बहन ठीक हो गई, उठाओ चाकू और दोबारा मारो, फिर मारो अपनी बहन को। नहीं मामा, भाई से कुछ ना कहे, अगर मैं भाई को पूरा आम दे देती तो भाई से लड़ाई ना होती। आज से मैं अपनी बहन के सारे काम किया करूँगा। मैं अपनी बहन गुड़िया का नौकर हूँ आज से। चल फिर मेरे नौकर, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कुक्कू पानी ले आता है। लो महारानी, पानी आ गया है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और मामा चिड़िया कुक्कू को समझाती है कि कभी भी ऐसे दोबारा ना कर। दो बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति बहुत गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये मेरा घर है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दे, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दे, मुझे चाय पीनी है। जबकि दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था, वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करता था। रानो, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूँ। मैं अब आ गई हूँ ना, पहले आप अकेले करते थे और अब मैं आपके साथ आपके काम में मदद करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज एक साथ हम नदी पर जाते हैं। ऐसे रानो चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन रानो की अमीर बहन टोनी उससे मिलने उसके घर आती है। अरे रानो, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है, तुम कैसे इस घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, एसी जो नहीं है। मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। रानो का पति भी घर आ जाता है। टोनी जी, आप कब आई? ये लीजिए, फल खाइए, मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे सड़े गले फल, ये फल आप रानो को ही खिलाइए। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजा ताजा फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टोनी बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टोनी बहन, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और फिर रानो अपनी बहन टोनी के लिए चाय लाती है, जिसका एक ही घूंट पीकर टोनी थूक देती है। थू थू, ऐसी गंदी चाय, मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। रानो बहुत सब्र वाली थी, वे अपनी बहन का किसी भी बात का गुस्सा नहीं करती और कहती है,
चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। नाना तुम मेरे घर में ना ही आना, मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसे कहते हुए टोनी वहाँ से चली जाती है। पति जी सॉरी, मेरी बहन शुरू से ऐसी ही है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। रानो मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टोनी का पति जिस कंपनी में काम करता है वह वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है, बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहोगी? नहीं नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ ही दिन गुजरते ही टोनी का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती है। कुछ ही लम्हों में टोनी अमीर से गरीब हो जाती है और अब उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन रानो को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देखते ही टोनी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है, मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ इतना याद रखना बहन, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि हराम की कमाई से ऐश करने से तो बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी सी खाई जाए। ऐसे रानो टोनी को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था।